Hello, how do, this is my life story, how I, why I started to uh, pay attention to the Quran ayats. So why I did research again and again, trying to find the truth, Ismaili, Islam, Shia or what. My friend, uh, ex-friend gave was quite a challenge. Aditi, शीज़ टू कम टू माई प्लेस वैन एंड वी एज टू टॉक सो शी वुड ब्रिंग द रिलीज थिंग आउट ऑल्डो वी वर टोल्ड हम लोगों को ये बताया गया था कि रिलीजन फ्रेंड्स वेंड्स में अच्छा नहीं लगता है अगर आपकी शिया फ्रेंड नहीं है तो फिर uh, वो डिस्कस नहीं करें रिलीजन एंड पॉलिटिक्स प्रिंसिपल उससे पहले मुझे पता है लोगों ने मुझे हम डिस्कस करते अपने आप हाँ में के, uh, एक तो बहुत यहाँ रिलीजन सो आई टॉक अबाउट रिलीजन नॉट पॉलीटिक्स और रिलीजन को पॉलिटिक्स में सियासत में नहीं लाओ ये हमारे नोहे नोहे में भी याद दिलाते हैं नदीम सरवरजी नोहा खान जो हैं uh, तो सियासत रिलीजन में नहीं लाओ और uh, रिलीजन को भी पर्सनल मैटर रखो जहाँ तक वो पर्सनल मैटर आपने नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी वो खुदा और आपके बीच में है किसी को हर्ट नहीं किया है आप को, हम कोशिश करें कि बीबी फातमत जहरा का एम्यूलेट करें एग्ज़ाम्पल उस मकाम तक पहुंच सकें ये छोड़ दो ये सुनी क्या बोल रहा है शिया का सुनी के अगेंस्ट शिया, आ, सुनी शिया के अगेंस्ट क्या बोल रहा है इन चीज़ों में नहीं पढ़ो वर्क ऑन योर जो भी आपका रिलीजन है उसके प्रिंसिपल के मुताबिक आए यू नो वर्क टू बिकम मोर प्रिंसिपलाइज एंड रिलीजन आप अपना जैसे अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल बीबी फातमत जहरा जैसा बनना है जैसे कोई अगर मेरे रिलिजन में हजबेंड <coughs> कोई औरत ऐसी हो गई जैनब बिन जाश नहीं है अपने मैरिज में वो मेरे हसबैंड को चाहने लगी या मेरा हसबैंड उसे चाहने लगा एक विडो को या उसकी शादी काम नहीं कर रही है और फिर दिल है इस एक तरफ से तो हम कहते हैं कि रसोल्ला ने शादियां की थी हेल्प करने के लिए तो औरतों को विडोज़ को वो आ... और अबू बकर अपने फ्रेंड के उसे उन्होंने हम कहते हैं कि अबू बकर और उमर ने इनको कॉर्नर किया अपनी बेटियों से शादी करवाई तो वो खुश नहीं थे सिक्स ईयर होल्ड या नाइन ईयर या नाइन इयर्स में कॉन्सीट का, होता है और नाइनटीन कुछ या कहते हैं नहीं नाइनटीन इयर्स की थी तो हम लोग ये कहते हैं कि यू you नो know, ऐसा कुछ हो जैसे आ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे हस्बैंड कोई ऐसा दिल आ गया या अच्छी औरत है और उसको कोई और शिया नहीं मिल रहा है और वो शिया हैं आ, तो आ, दिल तो यानी आना ही नहीं चाहिए पायती और नेकी का काम करना चाहिए तो अगर मेरे हस्बैंड जैसे करबला में इमाम हुसैन की भी बहुत वाई अब कुछ ऐसी इमाम हसन जितनी नहीं थी लेकिन लाइक uh, like हम उस रूमर्स uh, पे बिलीव भी नहीं करते हैं कि इमाम हसन की कुछ हंड्रेड वाइफ्स थी और कॉन्क्यूबाइन थी क्या थी तो हम उस पर बिलीव नहीं करते कहते हैं ये फॉल्स रूमर है अगेंस्ट हसन इब्न अली ट्वेल्वर का सेकंड इमाम खैर तो वो मैं सोच रही थी करबला में और कितनी वाइफ्स थी इमाम हुसैन ने शादी की थी बिकॉज इमाम जैन आबदीन एक शहरबान शे, या क्या उनका नाम था वह एक बहुत आ, प्रिंसेस थी रॉयल फैमिली की थी फिर अली अकबर उम लैला का बेटा था तो उम लैला कौन थी और फिर शेरबानो शेर इनकी माँ थी शादी <coughs> इमाम जैन अब्दीन की फिर ये कौन था बीबी सकीना की कौन माँ थी अली असगर की माँ कौन थी उम रबाब तो ये सब मिलके ना फॉर इस्लाम से तो मैं भी यही सोचती थी अगर कुछ ऐसा आया पता नहीं कुछ ऐसी मजबूरी आई कि मेरे हस्बैंड को दूसरी वाइफ को हेल्प करना पड़ा तो आई शुड अंडरस्टैंड मैं उनको इजाज़त दूँ कि वो मेरी इजाज़त फिर और वो तो इस्लाम के दायरे में रह के शादी दूसरी कर रहा है हेल्पिंग अनदर वमेन कि कोई और शिया नहीं मिला मेरा हस्बैंड मिल गया <coughs> अगर कोई और शिया नहीं मिला उनको तो ऐसा ना लाइक like, मैं अपने आप को समझाती थी दैट यू हैव टू यू कान बी पोजैसिव वुमेन कान बी जेलस एंड कैन बी पोजैसि तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा तो आ, ये चीज़ें फिर एक और बात थी कि एक फ्रेंड आती थी इनडायरेक्टली बोलती थी <coughs> कि तो वो सुनी मुस्लिम या मुस्लिम अपने आप को सुनी भी नहीं कहती थी पता नहीं क्या क्या थी रे तो ये आजकल के जो आ गए ना यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया पे भी अनाउंस कर रहे हैं कि तुम लोग अपने आप को क्यों मुसलमान कहते हो क्यों शिया ओ सॉरी सॉरी क्यों शिया कहते हो <coughs> एक क्यों नहीं हो तुम लोगों ने डिस्टर्ब करके रख दिया डिवाइड करके रख दिया रिलीजन को सेक्स में स्किजम्स करके रख दिया है तुम लोगों ने हम लोग देखो हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं हम लोग दिफाई नहीं हैं तो मुझे उनको समझाना पड़ा एक फ़रीद का फरीद बहुत यूट्यूब पे वो है उनका कोई इस्लामिक चैनल है उधर मैंने कहा देखें उधर भी समझाना पड़ा ये लोग नहीं समझे मुझे इनकी जो लॉजिक है इन्होंने भी मुझे पता नहीं कौन सी लॉजिक थी और मैं हैरान कि ये लोग नहीं देख सकते मैं तो आराम से इनको समझा रही हूँ ये खाम खाम मुझ पे झूठ जूट, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं काफिर हैं ये लॉजिक मॉडरेशन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही ना वो नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है अभी तक तो इनको समझाना बहुत मुश्किल है और शियाओं को भी समझाना बहुत मुश्किल है कि शायद इस्माइली इमाम सच है और ये आप जो कह रहे हैं कि हमें हमारा ये टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है आ, अच्छा टेस्ट है आ, लेकिन या ला प्लीज़ हमें मदद करें गुड टर्निंग बैड इतने दिल से दुआएं पिलग्रमिज में जाना या अल्लाह मेरी आंट बिलाविर आंट लेट इतनी दुआएं की मेरी शादी के लिए मेरी मेरी खुशियों के लिए दिल जिंदगी में मैं खुश रहूं मेरी माँ ने कहा अपनी बहन के लिए जिसकी मैं बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि वो उसको खुदा अगर गमी देता है टेस्ट ही करना चाह रहा है यानी उनका ये मतलब था तो फरत के सारे गम मुझे दे दे जैसे मैं खुदा को बोलती थी मिस के सारे गम मुझे दे दो आ, तो वो गाना याद आया था हमें मुझे तो मैंने अपनी माँ से पूछा वो कौन सा इंडियन गाना है मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा गम ले लूँ तो मेरे बदले तू हंस ले तेरे बदले दोनों हाँ हाँ मैं रो लूँ मेरे बदले तो हंस ले तो तब मेरी माँ ने बोला था एक दफ़ा मुझे प्राइवेटली कि काश मैं फ़र्त के अपनी बहन के सारेम ले लूँ और खुदा उनको टेस्ट नहीं करे ये बहुत पहले की बात है अभी अभी जब मैं मिस से जुदा हुई थी मुझे मिलने नहीं दे रही थी 1984 में तो मैं अपनी माँ के साथ कभी कभी सोती थी तो ऐसे ना मेरी वहाँ बहुत अच्छी थी <coughs> हम लोग बात करते थे ऐसे एनी तो बात यह है कि मैं कैसे बदली आ, कैसे मैंने ऐसी <coughs> ऐसी चीज़ें इस्लाम को छोड़ दिया आ, और, एक और भी शैतान आया था मुस्लिम शैतान आ, शिया के पास मेरे पास आ, तो इनडायरेक्टली वो कहती थी कि कैसे एक दफ़ा मुझे कहा कि तुम लोग क्यों आयशा को ये तो डायरेक्टली वो करते हो रूमर स्प्रेड किया था वो जो एक सूर्य आयत भी है ना सूर्य नूर में है अच्छायत कुरान में कि ने इल्जाम डाला था इमाम अली ने इल्जाम डाला था और हम वैसे भी कहते हैं कि इमाम अली ने रसोल्ला को कहा था बाद में कि अगर आप इतने तंग हो रहे हैं आयशा आपको इतना अनोई कर रही है आप इसे तलाक दे दें तो रसोल्ला ने तलाक नहीं दी आयशा को हज़रत आयशा को तो इस पर ना वो कन्फ्यूजन हो गया और मैंने श्याम पे वो कर दिया मैंने पर ही नहीं वो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था और अब मैं किसी को बिलीव भी नहीं कर सकती थी अपने शयाओं को जब तक फिर इंटरनेट आया फिर मैंने अभी तो ऑन आर फिंगर टिप्स है ना गूगल सर्च सर्च इंजन कि ये कोई और ग्रुप थे जो आयशा के ऊपर इल्ज़ाम झूठा लगाया था और ये ना कैमल वो चली गई थी वो फिर शिवज रात रुकी थी उधर बाहर क्या कुछ ऐसा आप अपने हदीस में देखें आ, मैं इस चीज़ में चीज़ अच्छी नहीं हूँ तो आप अपने नरेशनस में देखें वो कौन से ग्रुप थे जिन्होंने आयशा पे गलत इल्ज़ाम लगाया था फिर कुरान की आयत आई थी नाजिल हुई थी उनके लिए ख़ास उनके लिए आयशा के लिए अच्छा फिर बैटल ऑफ जमाल भी है ना आयशा और अली के बीच में तो ऐसे ऐसे करके ना मैं क़ुरान पढ़ने लगी वाक़ में मुसलमान जैसे विदाउट एनी पर ये तो शुक्र है कि बाद में पहले तो रसूल आ गए थे मेरे ख्वाब में ना मुझे अब जो भी सुनी मुझे कुछ भी बोले मैं बिलीव नहीं करना चाहिए ठीक माँ, है हॉर्सेज माउथ से मुझे मैंने सुना है मेरे फुट ऑफ़ द बेड आ गए थे मैं सोचा थी कौन था फिर सेफ अच्छा मेरा शिया कभी मुझे ऐसे डाउट्स होते थे ना फ्रेंड को सुन के कि अदर देन अल्लाह किसी पे और तुम लोग तो क्यों शेयर करते हो या अली मदद क्यों कहते हो या अब्बास क्यों कहते हो या जहनब क्यों कहते हो जैसे अल्लाह ने या मूसा या मूसा कहा ना कुरान में है लेकिन तुम लोग क्यों कहते हो अगर इनको बोलो अल्लाह ने ये कहा है तो बोलेंगे वो तो बोलने के लिए हमें बताने के लिए बुलाया था या मूसा और ऐसे बात कर रहा था हजरत मूसा से वो तो अल्लाह तो ये बड़ी कन्फ्यूजन्स थी और ये तो मैं पढ़ने लगी वो लेवल में थी क़ुरान ख़ुद से तो मैंने देखा कि इधर तो ये कोई अजाब नहीं किस किसूर ये जो है सूर सर नूर, नूर की आयत है थर्टी थ्री कि गॉड हैज गॉड विल फिर देम डू नॉट कंपेल योर सेव गर्ल्स इनटू प्रॉस्टिट्यूशन या योर मेड्स जो मैं अपने शिया कुरान ट्रांसलेशन है पता नहीं ब्लू एक होता था तो डो नॉट कम्पेयर योर मेड्स और योर वट योर राइट इन तो मुझे मैं वेन दे डिज़ायर टू रिमेन चेस तो ये शिया हमारे कहेंगे कि इधर तो उधर तो अल्लाह ने कहा चेस रहो वो जनरल है ना सबके लिए चेस्ट है सूर नसा में भी आप देख सकते हैं तो इधर ये बेचारे चेस्ट रहना चाहती हैं ये चेस रहना चाहती हैं और आप इनको ज़बरदस्ती प्रॉस्टिट्यूशन में तो इधर इसलिए खुदा ने कहा है कि ये चेस रहें नो ऐसा नहीं कहा कि ये चेस्ट रहे रहें इधर इधर कहा है कि कंपलशन के बाद के व्हेन दे डिज़ायर टू रिमेन चेस्ट, यानी हम लोग ऐसे समझे थे कि बाबा ये औरतें इज़्ज़तदार रहना चाहती हैं अपना महफूज रहना चाहती हैं अपनी इज़्ज़त को महफूज रखना चाहती हैं खुदा ने ये नहीं कहा है कि मैं चाह रहा हूँ ख़ुदा ने इन पे किला बेचारियाँ ये स्लेव घर चीज रहना चाहती हैं यानी आप जिसने भी इनको हायर किया ज़बरदस्ती की या बस इनके ख़िलाफ़ ये लोग तो चेस्ट रहना चाहती हैं कौन who wants to टू बिकम अ So प्लीज don't prostitute दैम ये चेस्ट रहना चाहती हैं ये चेस्ट रहना चाहती हैं तो इधर इसलिए ये कहा कि ऐसा अगर बोलता कि बिकॉज बिकॉज दे डिजाइड बिकॉज तो इनको अब अच्छा लाइक इनको अच्छा टॉप पे दिखाया है देव इस वर्ष में ना इनको अच्छा टॉप पे दिखाया है तो ऐसे मैं बिकॉज वो फ्रेंड आती थी मेरा दिमाग इनडायरेक्टली तो शैतान की तरह ना कहते हैं कि शैतान ऐसे ना वो क्या होता है वो चाय की जो वो होती है ना कि थोड़ा सा भी होल देखता है न, वो आ जाता है तो होल्स तो हमारे दिमाग में थे अ तो अज़बिल्ल मैंने शैतान जी होल्स तो थे तो ये शैतान कैसे कैसे आ सकता है आ भी जाता है तो सूर्य हम ओलेवल में पढ़ रहे थे हम वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे होल्स तो थे हम पार्टीज़ में जा रहे थे होल्स तो थे हम गाने सुनते थे इंडियन इंग्लिश अमेरिकन हौसल तो ये भी आ गया मुसलमान ऐसे ना शैतान तो इन्होंने हौस देखा तो सूर्य नूर आयत थर्टी थ्री यानि हमारे शिया बोलते हैं कि अलग बेचारियाँ ये तो बायदा खुदा उनको बोल रहा है कि तुम लोग इनको कंपेल नहीं करो प्रॉस्टिट्यूशन में इसे कि मैं भी अपने ये बेचारियां चाह रही हैं कि चेस्ट रहें आप समझ रहे हैं तो इधर श्यों का है कि तभी अल्लाह ने कहा है इनपे डाला है कि ये नहीं कहोगे ये चाह रही हैं तो हम इनको यानी अल्लाह तो चाह रहा चाह रहा है कि दे रिमेन चेस्ट Allah once he wants that they remain chaste, keep yourselves chaste, order kar hai. Ab either in compelling men kobul or women, whoever compels them, and do not compel male, female kanibula Jobin Pesabarthastikara, maids to prostitution bol hai, if they wish to if because they wish. टू uh, ऑब्जर्व ये लोग तो बेचारी फिर भी श्याओ का मुझे समझ में अब नहीं आ रहा है सॉरी बाबा मुझे माफ़ करो इफ दे विश टू ऑब्जर्व चेस्ट न दे वॉन्ट टू बी चेस्ट इफ़ की तो बात ही नहीं है अगर इफ़ डाल दिया समझो आपका बड़ा अल्लाह बड़े से बड़ा अल्लाह ये मेज भी बेचारे क्या इनके मकाम है ओहो एड ब्रैंगिंग है एड बैगिंग श्याओं के साथ भी इफ दे विश टू ओहो नो नो दे विश अगर ऐसा होता ना बिकॉज दे विश टू रिमेन चेस्ट वायल्स दे विश टू रिमेन चेस्ट चले वायल्स थोड़ा बेटर वर्ड है इफ़ अगर डालते हैं ना तो ओह हो तो सिर वह आ जाता है ना एक होल खुदा ने रख दिया शैतान जैसे एक थोड़ा सा भी डॉट का होल शैतान तो ऐसा नहीं होना चाहिए <coughs> आप समझ रहे हैं जैसे मेरे दिमाग थोड़ा सा भी शैतान है कि हम लोगों ने वो फुली प्रिंसिपल जैसे हमारे तो ना सिंपल रहेंगे ईरान में आप जाके देखें अल हकीम फैमिली अल तबाई तबाह तबाही फैमिली ये हमारे मर्जा आ, बहुत आ, पैसा वैसा हुम्स लेते हैं लेकिन पैसा वो देते हैं चैरिट चीज़ बनाते हैं अपने लिए नहीं रखते हैं अपने लिए एक छोड़ा एक डेस्ट ऐसा सिंपल प्लेन इनका घर घर भी छोटा होगा मेरे फादर गए थे एक दफ़ा इनसे मिलने अपने परदादा अपने दादा के साथ मेरे परदादा के साथ तो बहुत सिंपल सा रूम बहुत सिंपल सा रहते हैं इफ़ दे विश टू ऑब्जर्व चेस्टी यानी न no, न no, uh, शिया कहेंगे दे विश टू ऑब्जर्व खुदा ने कहा है कि दे विश अब इन पे लाया सो डोंट कंपेयर मी इट्स द फॉलन ऑन मी डू नॉट फोर्स योर सेव कर्स। अब मैं सब कोशिश कर रही हूँ ट्रांसलेशन डिफरेंट डिफरेंट तो शियाओं का ये था कि हमारा इतना कि इनको क्या मकाम दिया है कि बोल रहे हैं कि आप छोड़ें ये मोमिन मोमिन बिलीविंग मैन एंड बिलीविंग वेमेन। अब ये स्लेव गर्ल्स बोल रहे हैं कि बेचारे ये तो रिमेंड चेज करना चाह रहे हैं आपकी क्या मजाल है? आप कहाँ से ब्लेम करेंगे हुँ? खुदा ने आप हटा के इनपे कह के बेचारियां चेस रिमेन करना रहना चाह रही हैं। तो डू नॉट फोर्स योर into गर्ल्स when they themselves दे to रिमेन ऑनरेबल When, when or if, while, when, when they, no, no, when, 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 prepositional phrases, keywords, <coughs> do not force your slave girls into prostitution as they wish to remain ch chaste. If, do uh, when they wish. It is their wish. When they wish. No, no. they Into prostitution. F uh, for they wish to remain chaste. Here there is <laughs> a little problem. Here there is a little devilish Open. A sa whole open. A little open. माफ़ करना ये मैंने देखा है या अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ कि इधर तो ए, मतलब शियाओं के मद्देनज़र पॉइंट ऑफ व्यू है कि इवन दो गॉड सेड ये कीप गॉड ने अपने आप को रिपीट नहीं किया है इधर खुदा ने मोमिन मोमिनात को कह दिया है इधर ये लोग जो इसको स्केव uh, गर्ल्स को कंबल कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन में प्रोस्टिट्यूशन। अब अब शिया भी हो बेचारा हिहाइनस आ खान तभी तो मुझे उधर कहा कि मैं आपको क्या बताऊँ इसमाइली ने कहा मुझे उधर इसमाइली चै फेसबुक पेज पर इनके कि बाबा ये छोड़ दो मुझे ये बहुत हमारा हिहाइनस आ खान वेरी वाइज पीपल हिज फॉलोअर्स तो बाबा तुम रत रोगी खून खून रोगी तुम खून के आँसो आबिद ने रोते खून के आंसो <laughs> तुम अपने शियाओं को नहीं छेरो ऐसे तुम्हें भी वो खून रुलाएंगे खून सो प्लीज लीवे तुम्हें ने जिस आउट गैस मारेंगे शिया भी तीन दिन के लिए अभी तक बोल रहे हैं कि देखो 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 यानी दैट्स वाई इनडायरेक्टली हमारे इधर वो है ना शियाओं का औकाफ है तुम्हें शिया रत्न खून के आंसर नहीं करो ऐसे इनका लेना है इनको बचाना है तो फिर खून के आंसू तैयार हो जा रहे वन दे विश टू रिमेन चेस तुम लोग नहीं कर सकते हो तो अब कुछ शैतान पूछेंगे अरे या रसुल्ला वट इफ दे नॉट विश टू रिमेन चेस अभी इधर मैंने कह दिया है कीप चेस्ट शैतान गेट अवे फ्रॉम मी इधर बिगिनिंग में मैंने कह कीप चेस्ट हाँ हाँ ये तो बात है कि अल्लाह ने कह दिया मोमिन मोमिनात सब सेव गर्ल्स योर अब मैं कह रहा हूँ इधर ये स्लेव गर्ल्स बेचारियाँ विश टू रिमेन चेस्ट विश टू रिमेन वेन दे सेल्व विश टू रिमेन

यानी खुदा ऐसा इम्फोसाइज कर रहा है टू तो प्रोटेक्ट द तो ऑफ द बेचारियाँ वो खुद हैं खुदा को भी अब छोड़ दो खुदा ने तो कह दिया है तुम लोगों को फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे हो तुम लोग मुसलमान कैसे हो तो ये इधर उधर से शैतान भी मुसलमानों में भी हिपोक्रेसी रसूलान ने ख़ूब देखी हमें ख़ूब बताया इमाम अली को बताया यूसी तो इधर ये कह रही है कि खुदा यानी इम्फोसाइज फिर से कर रहा है ये प्रॉस्टिट्यूशन का आ गया है इन ऑल दिस में तो हादसा पर नहीं रहा है नहीं नहीं तो इनको अगर कहो ना कि ये वैन अच्छा नहीं है तो बोलेंगे नो no, नो no, जहरा ये खुदा एम्फोसाइज वन देम सेल्व विश अगर ऐसा खुदा दे सिंस 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 देल्व देल्व विश टू रिमेन ऑनरेबल सिंस भी अगर आ गया ना वन देम सेल्व तो एक ऑनर स्टेव गर्ल्स को दे रहा है और इन पे रख दिया है कि ये बेचारी खुद भी वनटड मैन चेज तो हम लोग इनको प्रोस्टिट्यूशन है ये थोड़ा ग्रामेटिकल ये अगर इफ़ नहीं होता ना वेन सेंस देस डे डेम सेल्व आई ऑलरेडी मुझे थोड़ा टाइम लगे अब थोड़ा और वरना एग्जीक्यूट करेंगे मुझे इधर औकाफ में रशिया सीधा लेके जाएंगे पुलिस भेजेंगे जब तक मैंने इनका बावजा नहीं किया कि ये आपसे ही कर, कह रहे हैं दर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस आपके अल्लाह ने पहले तो कह दिया कि तो इधर मुझे एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपा मैंने लिख दिया है